लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान 16 मार्च को किया गया। 19 अप्रैल से मतदान के पहले चरण की शुरुआत होगी। नागपुर लोकसभा के लिए पहले चरण यानी 19 अप्रैल को मतदान होगा। आज कांग्रेस प्रत्याशी विकास ठाकरे अपना नामांकन दर्ज करने से पहले पदाधिकारी, कार्यकर्ता और परिवार के साथ संविधान चौक पहुँचे। इस दौरान हमारे संवाददाता ने संवाद साधा है। इस समय कांग्रेस वरिष्ठ नेता विलास मुत्तेमवार, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, विपक्ष नेता विजय वडेट्टीवार, सतीश चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री अनीस अहमद, अतुल लोंडे आदि के साथ अन्य इंडिया आघाड़ी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ये क्या बताओगे आज नागपुर वासियों को? बहुत खुशी है, देख रहे हो कार्यकर्ता में कितना उत्साह है। और नागपुर के सहित जो पहले फेज में जो चुनाव हो रहे, पांचों जगह कांग्रेस इस लोकसभा की उम्मीदवारी के बाद गुटबाजी खत्म हो गई है नागपुर कांग्रेस में, आपको दिख रही है? कांग्रेस अब एकजुट है और देश के लिए लड़ने वाली पार्टी है। देश का संविधान, लोकशाही जो खतरे में आई है उसको बचाने के लिए कांग्रेस के एकजुट हो गए। तो ये नाना पटोले हमारे साथ है और गुटबाजी भी खत्म होने की बात इन्होंने इस वक्त कही। विकास ठाकरे आज अपना नामांकन दर्ज करने जा रहे हैं लोकसभा के, वो प्रत्याशी है कांग्रेस के नागपुर से। हमारे साथ उनके फैमिली मेंबर्स है, उनकी पत्नी है, उनसे हम जानते हैं कि आज क्या बताना चाहोगे। आज हम नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और हम पे सब जनता ने, नागपुर की जनता ने हम पे विश्वास दिखाया है और यहाँ जो काफ़ी लोग हमारे लिए इकट्ठे हुए उनके भी शुक्रगुजार है क्योंकि इनका काम बोलता है, अच्छे काम करते हैं, इसलिए पूरा विश्वास है कि ये चुन के आ जाएंगे ऐसा लग रहा है। सब जनता हमारे साथ है, हमें ये विश्वास करके हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। विकास ठाकरे इनकी पूरी फैमिली यहाँ है, उनकी बहू भी यहाँ है, उनसे हम जानेंगे कि क्या बताना चाहोगे आज के दिन। यही कि बाबा को जितना ज़्यादा वोट मिले और प्लीज़ उनको जीता के लाने में हम सबकी हेल्प करें। थैंक यू। तो हमने देखा कि यहाँ सभी लोग जो है कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, साथ ही फैमिली मेंबर, परिवार के सभी सदस्यगण यहाँ मौजूद है और इसी के साथ आज जो है विकास ठाकरे अपना नामांकन दर्ज करने जा रहे हैं। लोकसभा का आगाज हो चुका है, 20 अप्रैल को पहले चरण में नागपुर में जो है चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी आज जो है अपना नामांकन दर्ज करने वाले हैं। क्या बताओगे? आज नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं और इसके बाद प्रचार की शुरुआत होगी और प्रचार जोर पकड़ेगा। बिल्कुल, कांग्रेस के प्रत्याशी होने से पहले बहुत सारे आज क्या बताना चाहिए? मुझे लगता है कि इस देश में वोटर से, जनता से बड़ा कोई नहीं है। किसी के आगे कौन लड़ेंगे नहीं है, किसी को बड़ा करने वाली जनता है और वो जनता तय करेगी कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ सालों साल से चुनाव लड़ रही है और 13 बार कांग्रेस का सांसद इस शहर से गया है, कांग्रेस की विचारधारा इस शहर में है और ये लड़ाई देश की लड़ाई है। देश का संविधान खतरे में है, लोकशाही खतरे में है। 10 साल से हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी है तो ये लोकशाही खत्म करने के प्रयास कर रही है। विरोधक हमारे सामने ना रहे इस मनसूबे से विरोधों के ऊपर अटैक कर रही है, जेल में डाल रही है और इन्हें लग रहा है कि हम सब अकेले ही राज्य करना चाहिए, अपोजिशन में कोई रहना नहीं चाहिए। तो ये लोकशाही के ऊपर आघात है, इस देश के लोकशाही के ऊपर आघात है और उसके खिलाफ ये लड़ाई देश लड़ने जा रहा है, देश की जनता लड़ने जा रहा है और इस बार मोदी जी को सबक दिखा के रहेंगे। आज जो है विकास ठाकरे जो है नामांकन दर्ज करने वाले हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी इन्हें जो है सबक सिखाना है। कैमरा पर्सन राजकुमार मौर्य के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।